जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का उपाय बहुत ही उपयोगी है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने प्रदोष व्रत भी कर लिया है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिया है और आपने 16 सोमवार के व्रत भी रख लिए हैं, लेकिन आपकी कोई भी मनोकामना यदि पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको 5 हरी चूड़ियां लेनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको 5 हरी चूड़ियां लेनी है। फिर आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण विधि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आप ये उपाय करके देखिए, महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूरी करेंगे। आपको हरे रंग की चूड़ियां लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आप एक डब्बी लें, उस डब्बी में आप हरे रंग की चूड़ियां रख लें। आप प्लेन चूड़ियां भी ले सकते हैं, बस उनका रंग हरा होना चाहिए। उसके पश्चात आपको वो हरी चूड़ियां लेकर किन्नर के पास जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो हरी चूड़ियां लेकर आपको किन्नर के पास जाना है। किन्नर वो होते हैं जो कि शादी विवाह या किसी भी शुभ मुहूर्त के समय आपके घर में आते हैं। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, उस समय घर में किन्नर आते हैं। वो कुछ पैसे लेते हैं और बदले में हमें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। यदि आपके लिए यह पॉसिबल हो तो आपको दो चीजों में, ध्यान से सुनिएगा, आपको दो चीजों में, आज मैं आपको दो उपाय बताऊंगी जो बिल्कुल अचूक उपाय है, आपको वो उपाय करने हैं। यदि किसी भी शुभ कार्य के समय आपके घर में किन्नर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें खाना खिलाना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको उनको खाना खिलाना है। उसके पश्चात उनको कुछ धन सामग्री दें और साथ में जो आपने 5 हरी चूड़ियां एक डब्बी में रखी थी वह भी उनको दे दें। इसका अलग ही एक महत्व है। वह आपके घर में आएंगे, उसके पश्चात आप उनको खाना खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, उसके पश्चात वो आपको जो आशीर्वाद देंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा ही फलता है, उनकी दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना है। अगर आपको लगता है कि यह संभव नहीं है, अभी घर में कोई इस प्रकार का शुभ कार्य नहीं हो रहा, तो जहां पर भी किन्नर रहते हैं आप वहां खुद उनके पास चले जाइए, या फिर आपको रास्ते में या फिर किसी के घर में यदि किन्नर दिखाई देते हैं तो आप वहां पर उनके पास चले जाइए, उनको एक डब्बी हरी चूड़ियां दीजिए और साथ ही में उसमें कुछ दान दक्षिणा के लिए कुछ रुपए भी रखें, और अगर संभव हो तो उसके पश्चात उनका आशीर्वाद भी लीजिए, और फिर आप देखिएगा कि उनके आशीर्वाद की वजह से आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यदि आप यह कार्य कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करते समय बस आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह उपाय केवल और केवल आपको बुधवार के दिन ही करना है। जी हाँ, किसी और दिन इस उपाय को ना करें, इस उपाय को आप केवल बुधवार के दिन करें। जो भी व्यक्ति इस तरह का उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। आपको पता ही होगा, हमारे घर में जब भी शादी विवाह होते हैं, बच्चा होता है, तो किन्नर अवश्य आते हैं और उनका आशीर्वाद बहुत ही फलदायी होता है। उनको किसी तरह से यदि आपने हरी चूड़ियां दे दी और उनका आशीर्वाद आपको मिल गया, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। महिलाओं को यह उपाय जरूर कर लेना है। यदि किन्नरों की वजह से हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, तो क्यों ना हमें यह छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। तो इस छोटे से उपाय को जरूर करके देखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।